हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अपने जीमेल या फिर अपने गूगल अकाउंट का अपने मोबाइल से अपनी जन्म डेट कैसे सेंड करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अपनी जन्म डेट सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। जैसे कि मैं सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एंड यूजर एंड अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा और आपने जहाँ जहाँ पर अकाउंट बना रखे हैं वो सारे अकाउंट दिखाई देंगे। तो आपने गूगल पर जो अकाउंट है वो आपका यहाँ पर आगे जी दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे ये आपके जीमेल दिखाई दे रहे होगी, ये आपके सारी जीमेल अकाउंट है। तो आप जिस जीमेल अकाउंट पर आप अपनी जन्म डेट सेंड करना चाहते हो उस जीमेल पर क्लिक कर देना है। अगर आपने वो जीमेल यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रखी है तो आप प्लस ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल डालकर पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। सो दोस्तों, इसके बाद में आपको उस जीमेल को सुन लेना है। सुनने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप परमिशन पहले दे दीजिए। अगर पहले नहीं दे रखी है तो परमिशन मांगेगा, अगर नहीं दे रखी है तो नहीं मांगेगा। तो इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और अगर आप अपनी जन्म डेट सेंज करना चाहते हो तो आपको लिखा हुआ है पर्सनल इन्फो, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपनी जन्म डेट दिखाई दे रही है। तो अगर आप अपनी जन्म डेट सेंज करना चाहते हो तो इस जन्म डेट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद में आप यहाँ पर जन्म डेट सेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले तारीख है, तो आप जो तारीख सुनना चाहते हो वो यहाँ पर दे दीजिए। जैसे कि डेट, यानी कि आप कुछ भी जो डेट देना चाहते हो वो दे सकते हो। जैसे मैं सपोज 24 तो मेरे लिखा हुआ था, तो मैं कुछ और दे देता हूँ। मैं 01 कर देता हूँ, ये जनवरी रहने देता हूँ। 1996 की जगह मैं 2000 करके दिखा देता हूँ। या फिर आप जनवरी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो आप जो भी सुनना चाहते हो वो सुन सकते हो। जैसे जनवरी सुनना चाहते हो, जनवरी पर क्लिक कर देना। इसके बाद में आपकी जन्म डेट कौन कौन देख सकता है, ओनली यू या फिर एनीडीएन सभी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ओनली यू पर लॉक पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से इंपॉर्टेंट होती है आपकी जन्म डेट। तो आप अगर सार्वजनिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप ओनली यू पर ही क्लिक करें। इसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा हुआ योर डेट ऑफ बर्थ हैज बीन अपडेटेड, यानी कि आपकी जन्म डेट अपडेट हो गई है, यानी कि बदल गई है। सो दोस्तों, ये देख लीजिए हमारी जन्म डेट सेंज हो गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने जीमेल या फिर गूगल अकाउंट से अपनी जन्म डेट आसानी से सेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।